पाश्चात्य समीक्षा जगत में आईए रिचर्ड्स नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं 20वीं शताब्दी के। तो उनके समीक्षा जगत में दो सिद्धांत बहुत ही लोकप्रिय हैं आलोचना के क्षेत्र में। एक तो है उनका मूल्य सिद्धांत और दूसरा है संप्रेषण सिद्धांत। तो आज हम मूल्य सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो इसको तीन बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। पहले प्रस्तावना, फिर आईए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत क्या है और उसके बाद निष्कर्ष। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे, हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आइए देखते हैं कि आईए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत क्या है। प्राय परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। आईए रिचर्ड्स, इनका समय काल है 1893 से 1979, 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक प्रभावशाली अंग्रेजी आलोचकों में से है। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है अपने समय के, प्रसिद्ध आलोचक है, प्रसिद्ध समीक्षक है। रिचर्ड्स की आलोचनात्मक कृतियों में प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो 1924 में प्रकाशित हुई थी, साइंस एंड पोएट्री 1925, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन और द फिलॉसफी ऑफ लिटोरिक 1936 प्रमुख है। यह इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं जिसमें उन्होंने साहित्य और कला के संबंध में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। रिचर्ड साहित्य से पूर्व मनोविज्ञान एवं अर्थविज्ञान के क्षेत्रों में भी कार्यरत रह चुके हैं। मतलब समीक्षा जगत में आने के पहले, आलोचना हिंदी अंग्रेजी आलोचना के क्षेत्र में आने के पहले ये क्या थे, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर चुके थे और अर्थविज्ञान या फिर अर्थशास्त्र इन क्षेत्रों में भी इन्होंने कार्य किया हुआ था। अतः इन्होंने मनोविज्ञान एवं अर्थविज्ञान को भी साहित्य में कार्यान्वित किया। तो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं या फिर अर्थशास्त्र या अर्थविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उसका उन्होंने साहित्य जगत में लागू करने का प्रयास किया। साहित्य आलोचना को रिचर्ड्स की सबसे महत्वपूर्ण देन मूल्य सिद्धांत है। मतलब साहित्य की आलोचना के संबंध में उन्होंने जो दो तीन सिद्धांत दिए हैं उनमें जो मूल्य सिद्धांत है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान रिचर्ड्स की आलोचना की आत्मा है। उनके मूल्य सिद्धांत को समझने के लिए उनके द्वारा निरूपित मतलब अच्छी तरह से समझाना, मानसिक प्रक्रिया से परिचय पाना आवश्यक है। मतलब उनकी आलोचना का जो मुख्य सरोकार है वह मनोविज्ञान से रहा है, मनोविज्ञान पर आधारित है उनकी आलोचना। इसलिए उनकी आलोचना को समझने के लिए हमारे जो मानसिक क्रियाएं हैं, मन में चलने वाले जो जद्दोजहद हैं, जो फीलिंग्स और इमोशंस हमारे मन में है या मानसिक जो प्रक्रिया है उसको समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मूल्य सिद्धांत भी मूलतः मनोविज्ञान पर आधारित है। रिचर्ड्स मानते थे कि आधुनिक युग के आगमन के साथ ही मनुष्य का जीवन जटिल हुआ है। इतनी जटिलता पूरे औद्योगिक समाज में नहीं थी। औद्योगिक सभ्यता ने मनुष्य की इस भौतिकतावादी दुनिया को विस्तार दिया है, इसी के साथ साथ उसकी इच्छाएं भी बढ़ती गई। इनमें से कुछ इच्छाएं पूरी हुई, कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई। पूर्ण इच्छाएं संतोष प्रदान करती है जबकि अपूर्ण इच्छाएं असंतोष को जन्म देती है। मतलब औद्योगिक समाज, मतलब जब फैक्ट्रियों वगैरह का निर्माण हुआ, उद्योगों का निर्माण हुआ है ना, उद्योग जगत में बहुत सारे फैक्ट्री, उनके द्वारा उत्पाद आने लगे मार्केट में, बहुत सारे उत्पाद आ गए। इसका इससे क्या है, लोगों की इच्छाएं भी बढ़ने लगी कि उन उत्पादों को हमको पूरा हमको खरीदना है। उनकी जरूरतें बढ़ती गई, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं था। तो जो इच्छाएं उनकी संतुष्ट हो गई वो तो उन्हें संतोष प्रदान करती है, और जो इच्छाएं असंतुष्ट रह जाती हैं वो उनमें असंतोष पैदा करती है। जैसे आज का समाज भौतिकतावादी समाज है, बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, कुछ प्रोडक्ट हम खरीद पाते हैं, कुछ प्रोडक्ट हम खरीद नहीं पाते। जो प्रोडक्ट हम खरीद पाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी इच्छाएं पूरी जाती है, लेकिन जो प्रोडक्ट हम खरीद नहीं पाते, जो उत्पाद हम खरीद नहीं पाते, तो हमारे मन में असंतोष का जन्म हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के मन में संतोष और असंतोष का द्वंद चलता रहता है। इससे मनुष्य की चित्तवृत्तियों मतलब मन के भाव में असंतुलन पैदा होता है। इस दुविधागत मना स्थिति में उसके जीवन की सुख शांति नष्ट हो जाती है। मतलब मनुष्य के मन में संतोष और असंतोष का हमेशा द्वंद चलते रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, युद्ध चलते रहता है। कुछ इच्छाएं संतुष्ट होती हैं, कुछ इच्छाएं असंतुष्ट होती हैं। इससे क्या होता है, हमारे मन में असंतुलन पैदा होता है, मन के भाव असंतुलित हो जाते हैं, आदमी उद्विग्न हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है, और उसके जीवन की जो सुख शांति है वह नष्ट हो जाती है। तो आईए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत क्या कहते हैं, तो उन्होंने अपना बेसिकली उनका फंडामेंटल उन्होंने बताया कि वर्तमान समय जो है भौतिकतावादी युग का समय है, कुछ इच्छाएं संतुष्ट होती हैं, कुछ इच्छाएं असंतुष्ट होती हैं।
जो इच्छाएं संतुष्ट होती हैं तो हमारा मन संतुष्ट हो जाता है और हमको शांति का अनुभव होता है, लेकिन जो इच्छाएं असंतुष्ट रहती हैं वो हमारे मन में उद्विग्नता पैदा करती हैं। तब आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत क्या है, आइए हम देखते हैं। मूल्य सिद्धांत राजनीतिक अर्थशास्त्र से आया है, बेसिकली यह राजनीति और अर्थशास्त्र का शब्द है, वहां से आया हुआ है। आरंभिक पूंजीवाद, पूंजीवाद क्या है? उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व तथा श्रम के शोषण पर आधारित व्यवस्था। पूंजीवाद मतलब ये होता है जैसे फैक्ट्री होते हैं, फैक्ट्री वगैरह में क्या है, लोगों के ओनरशिप होते हैं, फैक्ट्री के मालिक होते हैं, उनका स्वयं का फैक्ट्री होता है, वह उसका स्वामी होते हैं। लेकिन जो श्रमिक है, श्रमिक के जो श्रम है उसका शोषण होता है, उनके श्रम का उनको पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं होता, इसे कहा जाता है पूंजीवाद। तो ये जो आरंभिक पूंजीवाद, पूंजीवाद जब शुरू हुआ, जो फैक्ट्री वगैरह का निर्माण हुआ शुरू में, के दिनों में व्यक्तिवाद के संदर्भ में मूल्यवत्ता की चर्चा होती थी, मतलब लोगों के जीवन के मूल्यों के संबंध में चर्चा की जाती थी, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज क्या है, उनके वैल्यूज जीवन में जैसे सच्चाई है, ईमानदारी है, मेहनत है ना, श्रम है, तो उनकी चर्चा होती थी। यह मूल्यवत्ता उपादेयता या उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित थी, मतलब कौन सी चीजें मूल्यवान होंगी जो समाज के लिए उपयोगी होंगी, मतलब जो चीजें समाज के लिए उपयोगी होंगी, जिनकी कुछ उपादेयता होगी, वही हमारे लिए मूल्यवान होंगी, इस पर विचार किया जाता था अर्थशास्त्र में। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेंथम ने किया था, इसे उपयोगितावाद, बेंथम ने एक सिद्धांत दिया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, उसे कहा जाता है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद क्या है? किसी भी वस्तु, विचार अथवा कार्य का महत्व आंकने के लिए उपयोगिता की कसौटी, मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी विचार या कोई भी कार्य हमारे लिए कब महत्वपूर्ण होगा? जब उसकी कुछ उपयोगिता होगी, है ना, वह कब महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए? जब वह हमारे लिए उपयोगी होगी, इसी के आधार पर उसका महत्व का आकलन किया जाता है। इसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वाला सिद्धांत प्रतिपादित किया है, मतलब अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख मतलब प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए या फिर कोई भी वस्तु या विचार ऐसा होना चाहिए जो अधिकतम लोगों के लिए उपयोगी हो, और जब अधिकतम लोगों के लिए उपयोगी होगा तो वह अधिकतम लोगों को सुख प्रदान करेगा। तो यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। आइए रिचर्ड्स ने बेंथम के अर्थ दर्शन का मनोवैज्ञानिक रूपांतरण करते हुए उसे साहित्य सिद्धांत में परिवर्तित किया। तो बेंथम का जो सिद्धांत था उपयोगितावाद, या फिर अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करने का जो सिद्धांत था, उसे आइए रिचर्ड ने हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में लागू किया, साहित्य के सिद्धांत के क्षेत्र में लागू किया, और उनके एक किताब उन्होंने लिखी आलोचनात्मक, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के 7वें अध्याय में रिचर्ड ने बेंथम का उल्लेख भी किया है, उन्होंने उसको क्रेडिट भी दिया है, उसका उल्लेख भी किया है। बेंथम के उपयोगितावाद दर्शन के अनुसार मनुष्य के सभी कार्यों का अंतिम उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। बेंथम का क्या कहना है कि मनुष्य जितना भी कार्य करता है उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? उसको सुख प्रदान करना होता है, किसी भी प्रकार से सुख हासिल करना है। रिचर्ड ने इसे चित्त वृत्तियों की संतुष्टि और उसके संतुलन तथा सामंजस्य का नया नाम दिया। तो रिचर्ड ने क्या किया, इसको मनोविज्ञान के आधार पर उन्होंने साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में लागू किया। उनका क्या कहना था? चित्त वृत्तियों मतलब मन के भाव की संतुष्टि और उनके संतुलन तथा सामंजस्य का नया नाम दिया। मतलब कोई भी काव्य कृति या कोई भी साहित्य अथवा कोई भी कला ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य के अधिकतम मन के भावों को संतुष्टि प्रदान करे और उनमें सामंजस्य स्थापित करे, उनमें संतुलन स्थापित करे। रिचर्ड्स ने उसी चीज को मूल्यवान बताया जो इच्छा को संतुष्ट करती है। मतलब रिचर्ड्स के अनुसार वे सभी चीजें हमारे लिए मूल्यवान है जो हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करती है, लेकिन शर्त यह है कि वह अपने समान या उससे अधिक महत्वपूर्ण किसी अन्य इच्छा को असंतुष्ट न करे। मतलब वह अपने समान या फिर अन्य इच्छाओं को असंतुष्ट भी ना करे, दूसरों की इच्छा को असंतुष्ट किए बिना यदि कोई इच्छा संतुष्ट हो तो वह अधिक मूल्यवान है। पूर्णता तो यह है कि सारी इच्छाएं संतुष्ट हो और आवेगों का मतलब स्ट्रांग फीलिंग, इंटेंस इमोशन से उसका सामंजस्य स्थापित हो। इसको दो उदाहरणों से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी शादी की पार्टी में जाता है, जैसे अभी ठंड का दिन है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के व्यंजन या पकवान रखे हुए हैं, उन सबको खा लेता है तो सारी इच्छाएं उसकी तृप्त हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। अब उसकी एक आखिरी इच्छा रह गई कि वह आइसक्रीम खाना चाह रहा है, लेकिन चूंकि ठंड का बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और उसको पता है कि उसको आइसक्रीम ऐसे ठंडे मौसम में सूट नहीं करेगा, यदि वह आइसक्रीम खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, तो एक इच्छा जो उसकी अतृप्त रह गई, लेकिन उसने अपने आप को कन्विंस किया, अपने आप को विश्वास दिलाया कि भाई आप अगर आइसक्रीम खाते हो अभी तो
तो आप बीमार पड़ जाओगे। उसने खुद को समझाया कि यदि मैं आइसक्रीम खाता हूं तो बीमार पड़ जाऊंगा, तो चलो आइसक्रीम कभी और खा लेंगे। तो इस प्रकार उसने अधिकतम व्यंजन का लुत्फ उठा लिया, उसका आनंद ले लिया और आइसक्रीम खाने की जो इच्छा रह गई तो उसने अपने मन को संतुष्ट कर लिया, तो चलो बाद में कभी खा लेंगे। तो इस प्रकार उसकी अधिकतम इच्छाएं संतुष्ट हो जाती है। तो यही है कि बहुत सारी इच्छाएं इसकी संतुष्ट रहे, थोड़ी बहुत इच्छाएं असंतुष्ट रह जाती है तो कोई बात नहीं। तो यह है, अब यह दूसरों की इच्छा को असंतुष्ट किए बिना यदि कोई इच्छा संतुष्ट हो तो वो अधिक मूल्यवान है। जैसे कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, पति पत्नी और 3 बच्चे। आजकल तो 2 ही बच्चे होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि 3 बच्चे। सबसे बड़ी पति पत्नी है, सबसे बड़ी लड़की 15 साल की है, उसके बाद जो दूसरा बेटा है वह 10 साल का है और सबसे छोटा बेटा है वह 5 साल का है। वो लोग अपना योजना बनाते हैं कि भाई प्लान बनाते हैं कि हम संडे के दिन में जंगल सफारी जाएंगे। जंगल सफारी मतलब बहुत सारे जानवर वहां पर, वहां हम लोग देखेंगे। लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा है वह क्रोकोडाइल पार्क जाना चाहता है, वह सिर्फ क्रोकोडाइल देखना चाहता है, मगरमच्छ देखना चाहता है। अब परिवार के चारों सदस्य उसका संतुष्ट करते हैं कि आज हम लोग यहाँ चलते हैं और अगले संडे को हम लोग क्रोकोडाइल पार्क चले जाएंगे। तो फाइनली बच्चा संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है इस बार हम लोग वहां चले जाते हैं जंगल सफारी, लेकिन अगले संडे हम लोग कहाँ जाएंगे, सिर्फ क्रोकोडाइल देखने जाएंगे, क्रोकोडाइल पार्क देखने जाएंगे। तो इस प्रकार 4 मेंबर भी संतुष्ट हो गए, 5वां भी थोड़ा बहुत असंतुष्टि के साथ संतुष्ट हो गया कि अगले सप्ताह हम लोग कहाँ जाएंगे, क्रोकोडाइल पार्क जाएंगे, क्रोकोडाइल देखने जाएंगे। तो यह है मतलब दूसरों की इच्छा को असंतुष्ट किए बिना यदि कोई इच्छा संतुष्ट हो तो वह मूल्यवान है। पूर्णता तो यह है कि सारी इच्छाएं संतुष्ट हो और आवेगों से उनका सामंजस्य स्थापित हो जाए। तो इस प्रकार हमारी अधिकतम इच्छाओं को संतुष्ट होना चाहिए, तभी वह क्या है, मूल्यवान है। वह कलाकृति या कला या साहित्य वह हमारे लिए मूल्यवान है जो हमारी अधिकतम इच्छाओं को संतुष्ट करती है, यह इनका मूल्य सिद्धांत है। लेकिन व्यवहार में यह संभव नहीं है, इसीलिए रिचर्ड्स अधिकतम इच्छाओं की तृप्ति से अधिकतम चित्तवृत्तियों अर्थात मन के भाव में संतुलन तथा न्यूनतम के क्षण या छिड़ होने का प्रस्ताव करते हैं। इसी को सह संवेदन अर्थात सुख या दुख की अनुभूति भी कहते हैं। इसलिए जैसे मैंने बताया कि अधिकतम इच्छाएं संतुष्ट होने चाहिए, यह संभव नहीं है हमारे जीवन में कि हम अपने हर इच्छा को संतुष्ट कर पाए, लेकिन हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हमारी अधिकतम इच्छाएं संतुष्ट हों और कम से कम इच्छाएं जो हों जो छिड़ हों, कम से कम इच्छाओं को नुकसान उठाना पड़े, यही हमारा क्या है, मूल्य का सिद्धांत है। इसे वैसा संवेदन अर्थात सुख और दुख की समानुभूति भी कहते हैं। मतलब रिचर्ड्स का कहना है कि हमारी अधिकतम इच्छाएं संतुष्ट होनी चाहिए। रिचर्ड्स के मतानुसार किसी वस्तु के अच्छे और बुरे होने का आधार मनोविज्ञान ही है। किसी भी वस्तु के मूल्यांकन संबंधी अवधारणाओं का संबंध मानसिक आवेगों मतलब स्ट्रांग फीलिंग इंटेंस इमोशन से है। रिचर्ड्स मन को स्नायु तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम या उसके क्रियाओं का एक अंग स्वीकार करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म उन्होंने लिखा है। मतलब वास्तव में हमारे लिए हम किसी चीज को अच्छे या बुरा किस आधार पर बोलते हैं, मनोविज्ञान के आधार पर बोलते हैं। मतलब किसी भी वस्तु का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं कि हमारे जो मानसिक आवेग हैं, जो हमारी तीव्र इच्छाएं हैं, उसको वह कितना संतुष्ट करती है कोई भी वस्तु। और यह जो है रिचर्ड्स, मन क्या है, हमारा मन क्या है वास्तव में, जो हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में जो विभिन्न प्रकार के एक्शंस होते रहते हैं उन क्रियाओं का एक अंग मात्र है, उनका एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब हमारा जो मन है, जो माइंड है, वह हमारे नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी से उन्होंने लिखा है। अब मानव मन के भीतर परस्पर विरोधी आवेगों मतलब इम्पल्सेस या फीलिंग्स या इमोशंस, मानव मन के भीतर परस्पर विरोधी आवेगों की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए इसे भी 2 भागों में बांटते हैं। मतलब मनुष्य के मन में भी 2 प्रकार के आवेग होते हैं, एक तो पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, एक सकारात्मक होते हैं, एक नकारात्मक होते हैं। सकारात्मक वाले को हम क्या बोलते हैं, अभिलाषा या इच्छा, एपेटेंसी। तो जो सकारात्मक विचार हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको रिचर्ड्स कहते हैं एपेटेंसी, और जो नकारात्मक है, वितृष्णा है या विमुखता है, इसको बोलते हैं एवर्सन। जैसे घृणा है, द्वेष है, वासना है, तो यह वितृष्णा है, विमुखता है। और अभिलाषा इच्छा क्या है, त्याग की भावना है, प्रेम की भावना है, तो यह एपेटेंसी है। वितृष्णा मतलब नेगेटिव। इच्छा प्रवृत्ति मूलक अर्थात आसक्ति परक आवेग है, जिनके प्रति हमारी आसक्ति होती है, हमारी आस्था होती है, इसको बोलते हैं अभिलाषा या इच्छा। वितृष्णा निवृत्ति मूलक है, घृणा है, द्वेष है, नेगेटिव इमोशंस है। इन आवेगों के बीच संघर्ष और विरोध होते रहता है। जैसे सत्य और असत्य के बीच विरोध चलते रहता है, वैसे ही अभिलाषा और इच्छा के और वितृष्णा विमुखता के बीच हमेशा संघर्ष और द्वंद्व होते रहता है।
आदर्श स्थिति यह है कि मन के संघर्ष से सभी आवेग शांत हो जाएं, जो कि असंभव है। अधिकतम आवेग संतुष्ट हो तथा न्यूनतम आवेग अतिरिक्त हो जाए तो भी कुछ शांति मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड्स केवल पॉजिटिव इमोशंस एंड फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, अभिलाषा या इच्छा की बात कर रहे हैं। मतलब जो हमारे अधिकतम अभिलाषा इच्छाएं हैं वह संतुष्ट हो जाना चाहिए, तभी हमारे मन को संतुष्टि प्राप्त होती है। ये निगेटिव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह काम कविता या अन्य कलात्मक कृतियां कर सकती हैं। मतलब यह काम कौन कर सकता है? अधिकतम आवेगों को संतुष्टि कौन प्रदान कर सकता है? हमारे अधिकतम फीलिंग्स और इमोशंस को संतुष्टि कौन प्रदान कर सकता है? कोई कविता या फिर अन्य कलात्मक कृतियां। इसका कारण यह है कि कवि या कलाकार ऐसे असाधारण लोग होते हैं जिनका अपनी अनुभूतियों पर अधिकतम नियंत्रण होता है, उनके विभिन्न क्रियाओं में सर्वोत्तम सामंजस्य रहता है। मतलब जो हमारे समाज में जो कवि होते हैं या कलाकार होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, और उनका अपनी अनुभूतियों पर, अपने फीलिंग्स और इमोशंस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, और इसीलिए वह जो भी काम करते हैं उनमें एक हार्मनी दिखाई देती है, सामंजस्य दिखाई देता है, सबसे बेस्ट होता है। जो स्वार्थों के स्वभावजनित संकीर्णता और अस्त व्यस्त विमूर्ता का स्थान जटिल रूप से निष्पन्न शांति ले लेती है। मतलब हमारे मन में जो जद्दोजहद चल रहे हैं, जो अंधड़ चल रहे हैं, तो जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं या किसी कलाकृति को देखते हैं तो हमारे मन में शांति उत्पन्न होती है। कवि की इसी समन्वित एवं संतुलित मनोदशा से उत्पन्न कृति पाठक या भावक, भावक मतलब भक्त या प्रेमी के अंतर मन को अपना रंग देती है। कोई भी कवि जो कविता लिखा है तो उसने अपना उसमें सर्वश्रेष्ठ दिया है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो अब हम कवि के रंग में ही रंग जाते हैं। उसके जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वे हमारे ऊपर भी आरोपित हो जाते हैं, जिसे आप हिंदी साहित्य में साधारणीकरण का सिद्धांत कह सकते हैं। तो इस प्रकार इस दशा में आवेगों के संघर्ष रुक जाते हैं और पाठक को परम शांति एवं विश्रांति, विश्राम या आराम का अनुभव होती है, जिसे अंग्रेजी में पॉइस कहते हैं, इसकी अनुभूति होती है। जैसे कोई बहुत ज्यादा मन में अंतर्द्वंद चल रहे हैं, आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, रामचरित मानस का पाठ करते हैं, या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ का अनुशीलन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जो भी जिस धर्म से संबंधित हैं आप, तो आपके मन में क्या है, एक शांति प्राप्त होती है, परम शांति का अनुभव आपको होता है। रिचर्ड्स इसी अवस्था को मूल्यवान मानते हैं, बोलते हैं यही अवस्था मूल्यवान है, इसका वैल्यू है, उनके लिए इसी क्षण का मूल्य है। वह मूल्य को परिभाषित करते हैं, वह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करे वह मूल्यवान है। मतलब वह कोई भी वस्तु जो हमारी इच्छा को संतुष्टि प्रदान करती है वह वस्तु हमारे लिए मूल्यवान है, चाहे वह कविता हो चाहे कोई कलाकृति हो। तो यह उनका मुख्य सिद्धांत है। आवेगों की विश्रांति, विश्राम या आराम देने के कारण ही कविता मूल्यवान है। तो कविता हमारे लिए क्यों मूल्यवान है? क्योंकि वह हमारी इच्छाओं को तृप्ति प्रदान करती है, हमारे मन को संतुष्टि प्रदान करती है, हमारे मन को शांति प्रदान करती है, इसलिए कविता हमारे लिए मूल्यवान है। कविता के इसी मनोवैज्ञानिक मूल्य की स्थापना रिचर्ड्स करते हैं। मतलब कविता का मनोवैज्ञानिक मूल्य होता है, इसी के आरोप में कविता के उपादेयता सिद्ध करते हैं और इससे पहले की सारी काव्यालोचना को निरर्थक बताते हैं। तो इस प्रकार कविता चूंकि हमारे अधिकतम इच्छाओं को तृप्ति प्रदान करती है, संतुष्टि प्रदान करती है, मन को संतुष्टि प्रदान करती है, इसलिए कविता हमारे लिए उपयोगी है, और चूंकि वह हमारे लिए उपयोगी है इसलिए वह मूल्यवान है। तो पहले की जो काव्य आलोचना थी उनको वह निरर्थक बताते हैं। रिचर्ड से पहले की काव्य आलोचना में सौंदर्य अनुभूति, मतलब सौंदर्य की अनुभूति, सौंदर्य को महसूस करना, फील करना, कुछ कुछ लोकोत्तर अर्थात असाधारण यह विलक्षण थी। वह अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से परे अगोचर सौंदर्य दृष्टि थी। मतलब रिचर्ड से पहले जो काव्य की आलोचना की गई थी उसमें क्या बोला था कि सौंदर्य की अनुभूति असाधारण या विलक्षण होती है, और यह अनुभूति केवल कुछ लोगों में पाई जाती है। मतलब हर व्यक्ति में सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती, सौंदर्य की अनुभूति कुछ खास लोगों में होती है, कुछ खास लोग इस सौंदर्य को देखकर महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो यह इंद्रियों से परे है, अगोचर है, अदृश्य है। इमानुएल कांट नाम के एक और दार्शनिक हुए हैं, उनकी सौंदर्य दृष्टि भी यही थी, उनका भी यही मानना था। रिचर्ड्स की महत्ता इसमें है कि उन्होंने सौंदर्य अनुभूति को इंद्रियों की अनुभूति से जोड़ा, वह सौंदर्य अनुभूति को अद्वितीय भावदशा या मनोदशा नहीं मानते। साहित्य की अलौकिक सत्ता की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। मतलब पहले के जो आलोचक थे उनका कहना था कि काव्य का आस्वाद केवल कुछ ही लोग कर सकते हैं, मतलब कविता को पढ़कर उसके अंदर जो सौंदर्य है उसकी अनुभूति केवल कुछ ही लोग कर सकते हैं, और ये लोग प्रायः बहुत बड़े बड़े कलाकार या कवि या महान लोग होते हैं जिनके अंदर सौंदर्य की अनुभूति होती है। लेकिन रिचर्ड्स का क्या कहना है कि सौंदर्य की अनुभूति कुछ अलग चीज, कुछ खास चीज नहीं है, यह हर व्यक्ति में पाई जाती है। मतलब साधारण से साधारण व्यक्ति भी उस सौंदर्य की अनुभूति कर सकता है,
जो कवि कर सकता है। जैसे दो व्यक्ति ताजमहल देखने गए, एक साधारण व्यक्ति है कवि, तो ऐसा रिचर्ड्स का मानना है कि कवि को कुछ अलग अनुभूति नहीं होगी, हर व्यक्ति के अंदर उसी प्रकार की अनुभूति होगी। तो यह इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ध्यान देने की बात है कि रिचर्ड द्वारा प्रस्तावित विश्रांति मतलब विश्राम या आनंद का भाव आनंद भाव नहीं है, लेकिन यहां पर यह ध्यान देना है कि रिचर्ड ने जो सिद्धांत दिया विश्रांति का या फिर विश्राम या आराम का, यह आनंद का भाव नहीं, मतलब कोई भी कलाकृति आनंद प्रदान नहीं करेगी। इनका कहना है कि हमको शांति प्रदान करेगी, आनंद प्रदान करना अलग चीज है। तो यहां पर इनका कहना यह है कि जो हमको शांति प्रदान करती है वह मूल्यवान है, लेकिन यह जो शांति है आनंद भाव से अलग है, प्लेजर से अलग है। यह सही है कि रिचर्ड्स ने अपने मूल्य सिद्धांत को बेंथम और जेम्स मिल के सुख कामना सिद्धांत हेडोनिज्म की बुनियाद पर खड़ा किया है। दो दार्शनिक हुए बेंथम और जेम्स मिल, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, सुख कामना का सिद्धांत, सुख की प्राप्ति का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है हेडोनिज्म। तो इसके आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत जरूर दिया है, लेकिन रिचर्ड्स उनकी तरह सुखवादी नहीं है, हेडोनिस्ट नहीं है। वृत्तियों के जिस सामंजस्य और संतुलन को रिचर्ड्स ने मूल्य माना है उसमें आनंद की भूमिका नहीं है, उनके लिए काव्यानुभूति आनंदानुभूति नहीं है। लेकिन रिचर्ड्स के अनुसार जो कविता है या फिर जो काव्य कृति है या फिर जो कोई कला है वह जरूरी नहीं कि हमको आनंद प्रदान करे, वह हमको शांति जरूर प्रदान करेगी। हमारे जो विभिन्न आवेग हैं, फीलिंग्स और इमोशंस और इंपल्सेस हैं, उनमें वो कोऑर्डिनेशन तो करेगा, हार्मनी तो उत्पन्न करेगा, सामंजस्य उत्पन्न करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हमें आनंद भी प्रदान करे। अर्थात रिचर्ड्स के अनुसार काव्य की अनुभूति आनंदानुभूति नहीं है, काव्य की अनुभूति वह आनंद की अनुभूति नहीं है बल्कि शांति की अनुभूति है। परंतु आइए रिचर्ड्स का मनोवैज्ञानिक मूल्य सिद्धांत कई बड़े समीक्षकों के लिए ग्राह्य नहीं था। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े समीक्षक हुए उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ग्राह्य नहीं था। टी एस इलियट नाम के जो विद्वान हुए हैं, जो बहुत बड़े कवि हुए और समीक्षक हुए हैं, उनका कहना है, इनकी एक रचना है द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म की भूमिका में तथा मॉडर्न माइंड में उन्होंने इनके मूल्य सिद्धांत का विरोध किया। इलियट लिखते हैं कि मैं इस प्रकार के किसी सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता जो स्वयं शुद्ध वैयक्तिक मनोविज्ञान की नींव पर टिका हो। शुद्ध वैयक्तिक मनोविज्ञान मतलब एक इंडिविजुअल का मनोविज्ञान, एक व्यक्ति का मनोविज्ञान, कि कविता और काव्य का उद्देश्य किसी व्यक्ति की इच्छाओं को संतुष्ट करना, उसे शांति प्रदान करना, यह वैयक्तिक मनोविज्ञान, तो इस पर आधारित है, तो फिर रिजेक्ट कर दे। इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत रिचर्ड्स के मत के विरुद्ध है। तो इलियट का निर्वैयक्तिकता वैयक्तिका जो सिद्धांत है निर्वैयक्तिकता का, इसके ऊपर मैंने एक अलग एपिसोड बनाया हुआ, जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। वैयक्तिक अनुभव पर आधारित साहित्य सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया हमेशा मान्य नहीं हो सकती। टी एस इलियट का कहना है कि वैयक्तिक मनोविज्ञान इंडिविजुअल साइकोलॉजी मतलब हर व्यक्ति का मनोविज्ञान, इसके आधार पर आधारित किसी साहित्य सिद्धांत को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, सामान्यकरण नहीं कर सकते, सभी प्रकार के काव्य सिद्धांत के रूप में हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते कि इस सिद्धांत को, काव्य सिद्धांत को हम सभी प्रकार की कविताओं में लागू करें, क्योंकि यह इंडिविजुअल साइकोलॉजी पर आधारित है, यह हमेशा मान्य नहीं रहेगी। रिचर्ड्स सामंजस्य और संतुलन हारमोनी एंड कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया को समझाने में भी असमर्थ रहे, इसे भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि सामंजस्य क्या है, संतुलन क्या है। रिचर्ड्स जिस मनोविज्ञान का सहारा लेकर अपने कार्यानुभव को वैज्ञानिक आधार दे रहे थे वह स्वयं सच्चे अर्थ में विज्ञान नहीं है, इसमें निरंतर नवीन खोज हो रहे हैं। मतलब मनोविज्ञान को भी पूरी तरह से विज्ञान नहीं माना जाता, साइंस नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें आज भी निरंतर खोज हो रहे हैं, और इस मनोविज्ञान के आधार पर उन्होंने अपना मूल्य सिद्धांत दिया। तो जो मनोविज्ञान जिसने अभी अपना वर्तमान समय में अपना पूर्णता को प्राप्त नहीं किया मनोविज्ञान ने भी, तो उस मनोविज्ञान जो आज अपने आप में अपूर्ण है उसके आधार पर उन्होंने जो मूल्य सिद्धांत दिया है वह भी अपने आप में अपूर्ण है। रिचर्ड्स ने तात्कालिक खोजों के आधार पर आलोचना सिद्धांत बनाया। उस समय जो तात्कालिक खोज हुए थे रिसेंटली मनोविज्ञान के क्षेत्र में, अर्थविज्ञान के क्षेत्र में, उसके आधार पर उन्होंने आलोचना सिद्धांत बनाया, लेकिन उसका स्थायी और मान्य रह पाना संदेहास्पद था। तो वह कोई स्थायी रूप नहीं ले पाया क्योंकि उसमें नए नए परिवर्तन हो रहे हैं मनोविज्ञान में आज भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन आवेगों पर, जिन इम्पल्सेस और फीलिंग्स एंड इमोशंस पर रिचर्ड्स ने अपने सिद्धांत को प्रतिष्ठित करना चाहा, उसका एक बड़ा हिस्सा अचेतन या अर्धचेतन है। मतलब चेतन मन के ऊपर उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, उसका बड़ा हिस्सा अचेतन मन है ना, अनकॉन्सियस माइंड, और अर्धचेतन मन सेमी कॉन्सियस माइंड पर आधारित है। मतलब हमारी जो अपूर्ण इच्छाएं कहां पर रहती हैं, अचेतन मन में, अर्धचेतन मन में रहती है अपूर्ण इच्छाएं।
उस पर आधारित है। इनका निश्चयात्मक रूप संभव नहीं है, तो इनका कोई पर्टिकुलर रूप संभव नहीं हो सकता क्योंकि उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, बहुत सारी इच्छाएं आती जाती रहती है हमारे अंदर, अतः इनके आधार पर एक सिद्धांत निर्माण बहुत पुख्ता नहीं होगा। तो इसके आधार पर इन्होंने जो काव्य की आलोचना का जो सिद्धांत किया है वह पुख्ता नहीं है, स्पष्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। आवेगों की विश्रांति या विराम या आराम को काव्य का प्रयोजन बताकर रिचर्ड्स ने काव्यासाद के सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक अवधारणाओं को अनदेखा किया। मतलब काव्य का काम सिर्फ लोगों के मन को शांति प्रदान करना नहीं है, क्योंकि मन में जो बहुत सारे आवेग हैं, जो इम्पल्सेस हैं, जो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, उसको संतुष्टि प्रदान करें, या कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा उद्विग्न है, तो कविता का सिर्फ काम इतना नहीं है कि वह उसको सुन लेगा और उसके मन में शांति आ जाएगी। काव्य का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है और काव्य का जो आस्वाद होता है, काव्य का जो आनंद होता है, वह भी उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है जिसकी रिचर्ड ने उपेक्षा की थी। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। रिचर्ड्स के अनुसार काव्य और कलाएं मानव के अन्य व्यापारों से संबद्ध हैं, उनसे पृथक नहीं है। तो रिचर्ड्स का कहना है कि कोई भी कविता अथवा काव्य अथवा मनुष्य के द्वारा निर्मित जो अन्य कलाएं हैं, अन्य कलाकृतियां हैं, ललित कलाएं हैं, वो मनुष्य के सभी कार्यों से संबंधित है। मनुष्य के जो अन्य कार्य हैं उनसे संबंध रखती हैं, उनसे पृथक नहीं है। किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि वह किस सीमा तक मानव मनोवेगों में संतुलन और व्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम है, और इस दृष्टि से कविता और कला सजना सर्वाधिक मूल्यवान क्रिया है। मतलब मानव के प्रत्येक एक्शन, मानव मनुष्य के प्रत्येक क्रियाएं, उसका मूल्य इस बात पर निर्धारित होता है कि वह मनुष्य की इच्छाओं को, उसके आवेगों को किस हद तक संतुष्ट करता है, किस हद तक उसकी मन को शांति प्रदान करता है। और इस दृष्टिकोण से कोई भी कविता या फिर जो कला की सर्जना की जो क्रिया है वह सर्वाधिक मूल्यवान क्रिया है, क्योंकि यह अधिकतम आवेगों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। यह सर रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत में नयापन है, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर मूल्य सिद्धांत की स्थापना की है, इसमें नयापन है। विवेचन एवं विश्लेषण भी तर्कसंगत है। मतलब इन्होंने जो इसका विचार विमर्श किया है, जो विवेचन किया है, इसका विश्लेषण किया है, वह भी लॉजिकल है, लेकिन इसे न तो मनोवैज्ञानिक ही पुष्ट करते हैं और न ही काव्य आलोचक। फिर भी पाठक को केंद्रीयता देने तथा विवेचन पद्धति के नएपन और विशिष्टता के कारण काव्य सिद्धांत में इसका विशेष महत्व है। निश्चित रूप से इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इनके मूल्य सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों ने भी स्वीकार नहीं किया है और इन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया है, और जो काव्य के आलोचक हैं इन्होंने भी इसको स्वीकार नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद भी इनके सिद्धांत में नयापन है। इन्होंने पाठक को केंद्रीय स्थान प्रदान किया है, पाठक को इन्होंने केंद्रीय स्थान प्रदान कर दिया है, और इनके विवेचन विमर्श, जो विचार विमर्श किया है, जो आलोचना का नया सिद्धांत दिया है, इसमें नयापन है और इसमें विशिष्टता है। इसी कारण साहित्य सिद्धांत में इसका विशेष महत्व है। तो इस प्रकार आप लोगों ने मूल्य सिद्धांत को भली भांति समझ लिया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आज के मेरे लेक्चर का जो PDF है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आप मेरे साथ संवाद स्थापित कर सकें। इसके बाद मेरा और भी टॉपिक्स आएंगे इस पर, जैसे आईए रिचर्ड्स का जो संप्रेषण सिद्धांत है, और हिंदी आलोचना के ऊपर भी मेरी एक सीरीज आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, निरंतर देखते रहें। धन्यवाद।